गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल क्लास नहीं हो पाया आप लोगों का, इसके लिए मुझे खेद है। आज हम फिर से शुरू करते हैं। हम आप लोगों को बताया था, मैं आपको बताया था 19.3 यानी केसिस ना का प्रॉब्लम चल रहा था। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या चल रहा था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम आपको एनसीईआरटी क्लियर कर दिए थे। कुछ प्रॉब्लम होगा लड़के का, जो भी लड़कों का प्रॉब्लम है केसिस ना में, कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से बताया भी था हमको कि ये प्रॉब्लम नहीं बना है। 19.3 केसी पीडीएफ भी भेजा गया है। 8 नंबर सवाल था, इस तरह से एक्स प्लस बी इंटू रूट अंडर सी एक्स प्लस डी डी एक्स। देखिए कुछ लड़के मुझे बना करके व्हाट्सएप पर भी भेजे थे, उनका कैलकुलेशन बहुत गड़बड़ था। हमने देखा कैलकुलेशन गड़बड़ था, तो ये कैलकुलेशन को सही करना है पहले बाबू। कैलकुलेशन अगर सही करते हो तो तुम सक्सेस कर जाओगे, कैलकुलेशन को पकड़ना है। मैंने आपको इसमें ट्रिक दिया था, याद होगा तुम लोगों को कि इंटीग्रेशन का 3 बंदर कहे थे, ये तीनों बंदर पर काम होगा। यहाँ पर 3 बंदर इंटीग्रेशन का हम लोग चर्चा किए थे। इसमें पहला क्या था कि रूट को देखना है, किसको देखना है? रूट को देखना है। अगर रूट नहीं रहे तब हम पावर को देखते हैं, और अगर पावर नहीं रहे तो हम बटे डिनोमिनेटर यानी हर को देखते हैं। तो यहाँ देखिए रूट है आपका, क्या है? रूट है आपका, तो रूट को पुट करेंगे, पुट सी एक्स प्लस डी इजिकल टू जेड। कोई इस तरह से भी पुट करता है, रूट को ही मान लेता है। सी एक्स प्लस डी इजिकल टू जेड यानी सी एक्स प्लस डी इजिकल टू जेड स्क्वायर, इस तरह से भी करके चलता है। तो हम लोग रूट को ही पुट करते हैं, रूट वाला के अंदर को पुट करते हैं, और सी एक्स का डी एक्स, सी डी कॉन्स्टेंट है, ए बी कॉन्स्टेंट है, यहाँ जीरो इजिकल टू डी जेड यानी डी एक्स इजिकल टू निकल गया 1/cdz। इस लड़के में ये प्रॉब्लम कुछ लड़के को फंसा दिया होगा, वो कारण है कि वो कैलकुलेशन नहीं कर पाया। तो एक्स इजिकल टू मान निकालिए जेड माइनस डी बाय सी, इधर आ जाएगा जेड माइनस डी या बटे सी। तो रख दो ए इंटू एक्स का वैल्यू जेड माइनस डी बाय सी प्लस बी, इस तरह से घेरना था रूट अंडर, इसको क्या माने हैं आप, इसको क्या माने हैं जेड, और ये क्या हो गया डी एक्स का वैल्यू 1/cdz इस टाइप से। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये देखो था सी, यहाँ एलसीएम ले लो, ए जेड माइनस डी प्लस बी सी बाय सी इंटू रूट जेड इंटू 1/cdz सी सी 1/c स्क्वायर हो गया ए जेड माइनस एस डी प्लस बी सी रूट जेड डी जेड रूट जेड डी जेड इस तरह से। अब देखिए आप कैलकुलेट कीजिएगा 1/c स्क्वायर, ये क्या हो गया ए जेड प्लस बी सी माइनस ए डी इस तरह से डी रूट जेड डी जेड। देखिए तो आप कैलकुलेट कर दीजिए, यानी कैसे करते हैं इंटीग्रेट, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई से भी करेंगे, 1 है हाफ है तो ए पावर जेड बाय 3 प्लस ये हो गया बी सी माइनस ए डी और जेड पावर हाफ डी जेड। देखिए तो ये तो कॉन्स्टेंट है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी होगा, यहाँ 1 है यहाँ हाफ है, मल्टीप्लाई में पावर जुट जाता है, जोड़ेंगे तो 3/2 और रूट का मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्स्टेंट है तो हाफ। अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए 1/c स्क्वायर ए जेड पावर 3/2 डी जेड प्लस बी सी माइनस ए डी जेड पावर हाफ डी जेड, नहीं बन जाएगा आप लोग से 1/c
ए जेड पावर 5/2 बाय 5/2 प्लस बी सी माइनस ए डी इंटू सी स्क्वायर तो बाहर ले लिए हैं, जेड पावर 3/2 अब प्लस सी पलट दीजिए 1/c² 2a/5 जेड का मान ए एक्स प्लस बी पावर 5/2 प्लस 2 इंटू बी सी माइनस ए डी बाय 3 इंटू ए एक्स प्लस बी पावर 3/2 प्लस सी कॉमन आ जाएगा। देखिए 2 कॉमन 3/2 कॉमन 2 दोनों में है 2/2 इंटू हो जाएगा ए एक्स प्लस बी पावर 3/2 बाहर बाय सी स्क्वायर यहाँ से ये बाहर एक बचेगा यहाँ तो हो गया ए इंटू ए एक्स प्लस बी बाय 5 प्लस 2 बाहर हो जाएगा बी सी माइनस ए डी बाय 3 प्लस सी। एलसीएम नहीं ले सकते हैं आप लोग बताइए, एलसीएम नहीं बन ले सकते हैं, एकदम बिल्कुल आसान है आप एलसीएम लेंगे चूँकि जगह नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए और लिखने के बाद हम फिर उसको यहाँ बना देंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशाल कुमार, अमरजीत राज, अंकुश कुमार राय, गोपाल कुमार, साकेत कुमार, हिमांशु राज, राहुल कुमार रंजन, आदित्य आनंद, दिलखुश कुमार बिहारी, अमर कुमार, आदित्य आनंद बिहारी बॉक्सर, सन्नी कुमार, मोहन कुमार, देवानंद कुमार, शिवेश आनंद, दिव्यांशु यादव, शिवम कुमार, पृथ्वी सिंह, रणवीर कुमार, कुंदन कुमार, राहुल कुमार कदुआ से हैं, कुंदन कुमार, रोहित कुमार, राजवीर कुमार, कन्हैया कुमार, पंकज कुमार, पंकज कुमार, बालकिशोर कुमार, मोहन कुमार, अभय रायचंद, प्रवीण कुमार बादल, विकास कुमार, गौरव कुमार राज, गोलू राज, मनीष कुमार, प्रज्ञा पांडे, मनीष कुमार राज, कन्हैया कुमार, नीतीश कुमार भागलपुर से हैं, निधि कुमारी हैं, सुनील कुमार हैं, मिस्टर सुनील कुमार, युवराज सिंह राजपूत, आशीष कुमार रंजन। कल बताए थे कि कल ऑपरेटर का तबीयत थोड़ा खराब हो गया था इसलिए कल क्लास नहीं हुई थी, इसलिए विश्वजीत सिंह, आशा भारती ये सब जुड़े हुए हैं मेरे साथ, इनको मैनी मैनी थैंक्स, मिथुन कुमार भी है, इनको मैनी मैनी थैंक्स। इधर हो गया होगा, इधर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से देखिए हर ट्रिक पर पकड़िए सवाल, हर सवाल को ट्रिक पर पकड़िए। अब आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया 2 ऑफ ए एक्स प्लस बी पर पावर होल 3/2 बाय सॉरी जेड का मान तो सी एक्स प्लस डी था, जेड का मान सी एक्स प्लस डी था, यहाँ गलती हुआ है, जेड का मान सी एक्स प्लस डी था, सी एक्स प्लस डी जेड का मान सी एक्स प्लस डी, यहाँ सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी तो जेड का मान सी एक्स प्लस डी उसी को पुट किए थे हम बाय सी स्क्वायर, क्या है सी स्क्वायर। एलसीएम लीजिए 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3cax प्लस 3ad प्लस 5bc माइनस 5ad ad प्लस सी, चूंकि ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3acx 3cax प्लस 3ad और इधर ले आइए आप 2/2/15 सी स्क्वायर इंटू सी एक्स प्लस डी पावर 3/2 ये हो गया 3cax और ad प्लस 5bc माइनस 2ad प्लस सी आंसर। इस तरह से यहाँ पर जेड का मान गड़बड़ा गया था, जेड का मान सुधार दिए, जेड का मान हम माने हैं सी एक्स प्लस डी। इस टाइप से बताइए इस सवाल में कोई दम है और किन्हीं का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, है ना।
इसी टाइप का और सब सवाल है, आप चाहे तो आप बना सकते हैं। 19.3 का हम बता रहे हैं, केसी सिन्हा में सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो आप ट्रिक पर बनाते हैं उसका रखना चाहिए आपका। देखिए एक प्रॉब्लम हम बताते हैं इस तरह से, 13 नंबर प्रॉब्लम है आपका, x बाय रूट अंडर एक्स प्लस 5 डी एक्स। कोई लड़का बता दो हम इसमें क्या पुट करेंगे, कोई लड़का बता दो हम क्या पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, कोई लड़का बता दो। बिल्कुल सॉल्व हो गया होगा, हमको पता है, कुछ लड़के सवाल पूछे थे हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से और मैं बता रहा हूँ कि कुछ हो जाए आज भर। इसके बाद हम कल से फिर चलेंगे ट्रिकोनोमेट्रिकल में, कैसे हम ट्रिकोनोमेट्रिकल में इसको बनाएंगे, कैसे पुट करेंगे उसको देखना है। अभी अलजेब्राइक का पुटिंग हम बता रहे हैं। तो हाँ, बिहारी किशोर लिखा है, बिहारी बॉक्सर एक्स प्लस 5 पुट करेंगे, बिल्कुल रूट वाला पुट करेंगे। आप लोग समझ गए हैं, आप लोग बनाए हैं इसका मतलब है सवाल, आप लोग मेहनत करते हैं। क्या पुट करेंगे, एक्स प्लस 5 इजिकल टू जेड, तो डी एक्स इजिकल टू डी जेड, तो आपका हो गया एक्स इजिकल टू जेड माइनस 5। तो एक्स का मान हो गया जेड माइनस 5 बाय रूट जेड, डी एक्स का मान डी जेड। देख लीजिए, अलग अलग डिवाइड कीजिए, जेड बाय रूट जेड माइनस 5 बाय रूट जेड डी जेड। कितना छोटा सवाल है, तुरंत देखेंगे और आप लोग बनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। दिक्कत अगर आपको हो जाए तो फिर हम टीचर नहीं, टीचर का मतलब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए विद्यार्थी को, विद्यार्थी पकड़ ले, यही है टीचर का असली पहचान। आज देखिए तो यहाँ कट जाएगा, दिखाई पड़ रहा होगा सबको, ये कट जाएगा कितना बार में, रूट जेड बार में, यानी आपका सवाल हो गया इस तरह से, रूट जेड माइनस 5 बाय रूट जेड डी जेड। रूट का मतलब कितना पावर, जेड पावर हाफ डी जेड, 5 बाहर हो जाएगा ऊपर जाएगा, या 1 बाय रूट जेड रहने दो, डी जेड डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो इसका, 3 बाय 2 माइनस 5 2 रूट जेड प्लस सी। जेड का मान जानते हैं आप लोग क्या है, एक्स प्लस 5 पर पावर 3 बाय 2 माइनस 10 और रूट अंडर एक्स प्लस 5 प्लस सी। यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर, आगे भी बढ़ा सकते हैं, आपका मन है। अब कॉमन भी ले सकते हैं, आप कॉमन लेके बना सकते हैं। देखिए तो 2 कॉमन रूट एक्स प्लस 5 कॉमन, 2 कॉमन रूट एक्स प्लस फाइव बाय 3, यहाँ से आधा निकल जाएगा तो 1 बचेगा, डेढ़ में आधा निकलेगा तो 1 बचेगा, 1 2 बाहर तो 3, अब माइनस ये बाहर 2 बाहर तो 5 प्लस सी। एलसीएम ले लो, एलसीएम आप लोग जानते हैं लेने, 3 एक्स प्लस 5 माइनस 15 प्लस सी, आप आंसर के नज़दीक पहुँच गए, एक्स प्लस 5 और x माइनस 10 प्लस सी। देखिए तो इस टाइप का प्रॉब्लम जो भी होगा हमें लगता है बन गया होगा। कुछ लड़के का था 18 नंबर 19 नंबर 25, तो चलते हैं 18 नंबर पर। ये सब तो बनाए होंगे आप, बना भी लिए होंगे, और किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। 18 नंबर पर है, हम आते हैं 18 नंबर, ये हो गया होगा। एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स माइनस 1 डी एक्स। देख लीजिए यहाँ दोनों बात है, पावर भी है रूट भी है। यहाँ देखिए पावर भी है रूट भी है, तो आप बताएं हम क्या पुट करेंगे, रूट वाला को कि पावर वाला को। जैसा कि आपको हम बताए हैं इसके पहले ट्रिक, बहुत क्वेश्चन इजी हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सर बिल्कुल इजी है, कुछ लड़के लिखते हैं, हम युवराज सिंह आपको बता दें, उसको भी बता देते हैं, साथ में लेके चलो। कुछ का कैलकुलेशन भी हमने देखा गड़बड़ है, कैलकुलेशन भी सुधारना है, केवल पढ़ने से नहीं होगा। हो सकता है युवराज जी आपका बहुत अच्छा कैलकुलेशन हो, आप फास्ट खींच लेते हैं, कुछ लड़के कमज़ोर भी होते हैं। सबका साथ सबका विकास करना है हमको, मास्टर वही
जो कमजोर आदमी को, कमजोर विद्यार्थी को तेज बना दे। जो तेज है वो तो तेज हो ही जाता है। सब मेरे बच्चे हैं, आप लोग सब मेरे बच्चे के समान हैं, और कोई टीचर हैं तो उनको मेरा नमस्कार। इस टाइप से देखिए तो क्या पुट होगा। देखिए बहुत लड़के लिख दिए, युवराज सिंह राजपूत लिखते हैं सर एक्स माइनस वन पुट होगा। बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट है। देखिए 18 है, 19 है, 21 है, 25, ये प्रॉब्लम बताना है आपको। यही है रूट वाला, नरेंद्र कुमार लिखते हैं रूट वाला। बिल्कुल 18 नंबर बन गया सर, बिल्कुल बना लिए हुए गोपाल जी। कुछ लड़के पूछे हैं उनको हम बता देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग गंदा करते हैं। अगर कैलकुलेशन को सही कर लीजिएगा तो हम आपको गारंटी लेते हैं कि मैथ आप टोटल सीख जाइएगा। क्या पुट करना है आपको? पुट एक्स माइनस वन इक्वल टू जेड, डी एक्स इक्वल टू डी जेड। जैसा कि जानते हैं एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड प्लस वन। रख दीजिए एक्स का मान कितना होगा, जेड प्लस वन का होल स्क्वायर बाय रूट जेड डी जेड। डी एक्स का मान, डी एक्स का मान डी जेड, इसका मान रूट, और एक्स का मान होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर डालेंगे। चलिए तोड़ दीजिए होल स्क्वायर पर, जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस वन बाय रूट जेड डी जेड, टू जेड हो गया। अलग अलग डिवाइड करेंगे, ऐसा बताए थे फर्स्ट चैप्टर, इसलिए हम बनवाए थे आपका एनसीईआरटी का या केसी सिन्हा का। हम फर्स्ट चैप्टर इसलिए बनवाए थे कि फर्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर में इसी टाइप का प्रॉब्लम है, इसलिए हम फर्स्ट चैप्टर आपसे बनवाए थे। तो वहीं से बेसिक कौन सा लेना था, अलग अलग डिवाइड करना है, टू जेड बाय रूट जेड प्लस वन बाय रूट जेड डी जेड। जेड स्क्वायर में कितना हो जाएगा, कट जाएगा, दो में आधा जाएगा तो थ्री बाय टू डेढ़। देखो एक में आधा जाएगा तो हाफ, इसको रहने दो, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट होता है। हम बता दें आपको वन बाय रूट जेड का हम बताए थे टू ऑफ डी जेड, डी जेड टू ऑफ रूट जेड, इस टाइप से। तो आप देखिए तो जेड पावर थ्री बाय टू डी जेड टू ऑफ जेड पावर हाफ डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रूट जेड डी जेड। तीनों को अलग अलग कर दीजिए और अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, आसान हो गया। कितना आसान है बताइए, ये सब नहीं बनता, कैलकुलेशन का खेल है केवल। इसलिए कहते हैं कि 11th में कैलकुलेशन को मजबूत कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन बताइए, इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, डेढ़ है तो एल जुटेगा तो 5/2 जेड पावर 5/2 बाय 5/2 प्लस 2 इंटू जेड पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस 2 रूट जेड प्लस सी। ऊपर ले जाओ 2/5 जेड पावर 5/2 4/3 जेड पावर 3/2 टू रूट जेड प्लस सी। अब यहाँ पर मान रख दीजिए 2/5 जेड का मान, देखिए क्या पुट किए हैं आप, क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 1/5/2 4/3 एक्स माइनस 1/3/2 टू ऑफ रूट अंडर एक्स माइनस 1 प्लस सी। अब सब में कॉमन आएगा, देखिए 2 कॉमन हो गया, इसमें देखिए डेढ़ अढ़ाई है, डेढ़ है, हाफ है, हाफ कॉमन आ जाएगा, रूट अंडर एक्स माइनस 1। यहाँ से क्या बचेगा, ये बाहर, यहाँ से हाफ बाहर, तो 2 बचेगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 5 प्लस ये से 1 बचेगा, 2 बाहर, 2 इंटू एक्स माइनस 1 बाय 3 प्लस ये दोनों बाहर 1 प्लस सी। फिर से एक बार देखिए, हाफ बाहर, ढाई में हाफ बाहर तो 2 बाहर है, 2 बचा बटे 5, यहाँ से 2 बाहर तो 2 बचेगा, 1 बाहर तो 1 बचेगा 3। एलसीएम ले लीजिए 2 ऑफ रूट अंडर एक्स माइनस 1, एलसीएम 15 होगा, 3 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये 10 एक्स माइनस 1 प्लस 15 प्लस सी। 15 यहाँ आ जाएगा 2/15 रूट अंडर एक्स माइनस 1 तोड़ दो, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 10x माइनस 10 प्लस 15। कैलकुलेट हो गया अब आप लोगों से, 2/15 रूट अंडर एक्स माइनस 1
थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री अब प्लस टेन एक्स प्लस फाइव प्लस सी। अब कहाँ लिखेंगे, अब घटाओगे दोनों को, घटा के लिख दो दोनों जोड़ के लिख दो, क्या करेंगे, नीचे जगह नहीं है, आ जाएगा यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, यहाँ दिखाई। तो एक स्टेप हम लिखते हैं, टू बाय फिफ्टीन बड़ा कर लेना वीडियो, एक्स माइनस वन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एट प्लस सी। देख लीजिए आंसर कितना आसान है, आप कर सकते हैं जब भी चाहें, आपके पास है एबिलिटी, आप कोशिश तो कीजिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, आप आगे निकल जाइएगा। हम बहुत जहाँ तक हम जानते हैं आपको क्लियर कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करते हैं। चल रहे हैं बाबू 26 पर भी जाएंगे, शाम जॉर्डन 26 पर भी जाएंगे। 18 हो गया आपका, 19 देखिए 19 भी भेज दिए हैं लड़के, जबकि सेम सवाल है, वहाँ x माइनस वन है, यहाँ 1 माइनस एक्स है, तो 18 भी पूछ रहे हैं। अब बताइए थोड़ा सा डिफर है, 19 में इस तरह से है एक्स स्क्वायर, यहाँ था आपका रूट अंडर, यहाँ 1 माइनस एक्स डी एक्स है, जबकि 18 में था एकदम बिल्कुल सेम सवाल, एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स माइनस वन था, यहाँ एक्स माइनस वन है, यहाँ 1 माइनस एक्स है, यहीं रखेंगे 1 माइनस एक्स इधर आ जाएगा। अगर आप पुट करते हैं, देखिए तो लिख लिए, हम थोड़ा सा बताते हैं इसको, बना लेना 1 माइनस एक्स इजकल टू जेड, ये इधर आएगा तो माइनस डी एक्स इजकल टू डी जेड, इसलिए डी एक्स इजकल टू माइनस डी जेड, यहाँ बनाएगा इसको इधर, इसको इधर, एक्स इजकल निकलेगा 1 माइनस जेड। लेकिन सेम सवाल नहीं बनेगा, ये हो गया 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर बाय रूट जेड इंटू माइनस डी जेड, यही सवाल तो है, माइनस बाहर ले आएंगे, बन गया होगा ये सब सवाल, लिख लिए होंगे आप लोग, माइनस 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर बाय रूट जेड। देखिए तो इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं जानते हैं आप लोग तोड़ना, देखिए बन गया है सर, हो गया है सर, बिल्कुल बना लिए होंगे आप लोग, आसान सवाल है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपका कैलकुलेशन भी मजबूत होगा और आप बनाएंगे भी। तो कैलकुलेशन मजबूत तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अब प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आपका ठोस हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। इधर बना लीजिएगा, बोलिए कोई लड़का को दिक्कत होगा तो बोल दीजिए हमको, इधर कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। हाँ एक तारीख से ऑफलाइन क्लास होगा, एक तारीख से ऑफलाइन क्लास होगा, चिंता नहीं कीजिए, उम्मीद है हम एप्लीकेशन दिए हुए हैं, अगर ऑर्डर कर दिया तो 15 के बाद स्टार्ट कर देंगे, अगर नहीं तो फिर एक तारीख से होगा। देख लीजिए नहीं बनेगा, हो गया है सर, ये देखो ये बनेगा नहीं बनेगा, तो ठीक है हम आगे बढ़ाते हैं, इसको तोड़िए, 1 माइनस टू जेड प्लस जेड स्क्वायर बाय रूट जेड डी जेड। अब देखिए माइनस बाहर रखिए, इसको अलग अलग भाग दीजिए, 1 बटे रूट जेड टू जेड बटे रूट जेड प्लस जेड स्क्वायर बाय रूट जेड डी जेड। देखिए तो कुछ है, इसको तोड़े ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए और फिर अलग अलग डिवाइड कर दिए, अलग अलग डिवाइड कर दिए, सेम प्रोसेस है यार, तुम लोग समझने का प्रयास करो, कहीं कुछ थोड़े है, सेम प्रोसेस है आपका, हो गया। अब अलग अलग करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट जेड डी जेड, माइनस माइनस प्लस टू बार कट जाएगा, हाफ कट जाएगा तो रूट पावर हाफ डी जेड, प्लस गुना माइनस माइनस हाफ कट जाएगा जेड पर पावर 3 बाय टू डी जेड। देखिए इंटीग्रेट नहीं जानते हैं आप, माइनस टू रूट जेड प्लस टू जेड पावर 3 बाय टू बाय 3 बाय टू, माइनस जेड पावर 5 बाय टू बाय 5
फाइव बाय टू प्लस सी, अब कैलकुलेट करना है आपको। देखिए तो इस टाइप से बन जाएगा सर, बिल्कुल अब बना लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं 21, कितने नंबर पर चलें, 21 बन जाएगा ना। अब कैलकुलेट कीजिएगा, सेम कैलकुलेट है, हम आगे अब उस पर नहीं जाएंगे, तो कैलकुलेट कीजिए आप लोग, सब सॉल्व हो गया होगा बिल्कुल बिल्कुल। अभी चलेंगे हम दूसरे चैप्टर पर चलेंगे, थोड़ा सा बताने दीजिए, जल्दी लिखिए फटाफट, जल्दी लिखिए। हो गया होगा, खत्म करके हम दूसरे चैप्टर पर चलेंगे आज। 21 एक्स स्क्वायर, 21 तो सेम सवाल है जी, एक्स स्क्वायर रूट अंडर, देखिए तो एक ही कॉन्सेप्ट का सवाल पूछ रहा है लड़का, डी एक्स सेम सवाल तो था, सेम सवाल है। अगला टॉपिक्स, बिल्कुल अगला टॉपिक्स, ये को 26 बता देते हैं, 25 26 बता देते हैं, 24 बता देते हैं, ये सब तो बन जाएगा आपसे, सेम सवाल है। 24 इसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, ध्यान दीजिए आप लोग, बाबर कहते हैं नीचे मुंह रूट हो ऊपर रूट हो, जहां भी रूट देखेंगे उसी को पुट करेंगे, जहां पावर है उसी को पुट करेंगे। 24 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसा सवाल हम बताए थे, याद करो एनसीईआरटी में भी था, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1 डी एक्स, बोले कि इसको ब्रेक कीजिए फैक्टर में, फैक्टराइजेशन कर दीजिए, प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 बाय एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स, सॉरी एक्स कॉमन, एक्स प्लस 2 प्लस 1 कॉमन, एक्स प्लस 2 बाय एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1 डी एक्स, ये क्या हो गया, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1 डी एक्स। देखिए ये कैंसिल, सवाल आपका हो गया एक्स माइनस 2 डी एक्स, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन से बनाइए या सब्स्टिट्यूशन से बनाइए, बात बराबर है, सब्स्टिट्यूशन में लंबा होगा तो हम आपको तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन से बना देते हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी हम आपको पढ़ाए थे, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करने सीखते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो इस तरह से होगा एक्स प्लस एक्स माइनस, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 बाय एक्स माइनस 2 डी एक्स, इसको देखें लिखेंगे कितना है नीचे में, माइनस 2 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 प्लस 4 बाय एक्स माइनस 2 डी एक्स, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन से बना दिए तुरंत, 2 देखो तो 4 में 2 घटेगा तो नहीं बचेगा प्लस 2, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, एक्स माइनस 2 बाय एक्स माइनस 2 प्लस 4 बाय एक्स माइनस 2 डी एक्स, डी एक्स कट गया, डी एक्स प्लस 4 1 बाय एक्स माइनस 2 डी एक्स, ये हो गया एक्स प्लस 4 लॉग एक्स माइनस 2 प्लस सी। देखिए कितना आसान है, हो गया है सर बिल्कुल। आप चलिए 25 पर, 25 26 दो सवाल बचा आपका, आप तुरंत बना के निकाल देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। बिल्कुल ये सब प्लेइंग क्वेश्चन है, बिल्कुल प्लेइंग क्वेश्चन है, आपको खेलना चाहिए इससे, लेकिन आप लोग खेलते नहीं हैं, आप लोग को मतलब ही नहीं है कि हम पढ़ें, लेकिन क्या बताएं, नहीं पढ़िए नहीं पढ़िए, हम लोग क्या कर सकते हैं, संभव है, यही समझिए ऑनलाइन क्लास हम लोग इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप लोग घर में ना बैठें, इसलिए, नहीं तो क्या था, बहुत लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, और ओपन क्लास है मेरा, कहीं से लड़का देख रहा है, देखिए यूपी से गोरखपुर से है,
कहाँ कहाँ से लड़का है, सुपौल से है, जम्मू से है, बेगूसराय से है, सब जगह से लड़के हैं, पटना से है, आरा से है, सब जगह से ओपन क्लास पढ़ा रहे हैं हम, ताकि लड़के को कोऑपरेट किया जाए। एक शिक्षक के नाते हम यही सोचते हैं कि सभी लोग, कम से कम बिहार के जो भी लोग हैं, यूपी के जो लोग हैं, कॉन्सेप्ट लें, केवल सवाल ना बनाएं, कॉन्सेप्ट पर तोड़ें, ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसको ज़रूर देखें आप लोग। अब हमको लगता है बन गया होगा, उतार लिए होंगे आप लोग, सब लड़कों लिख रहे हैं, सब लड़के लिख रहे हैं, बता 24 बता दिए हैं सर, विशाल कुमार अब छोड़िए सर, हो गया है। दो सवाल और बता देते हैं, इसके बाद हम आगे चलेंगे। दो सवाल और है, इसको बता ही देते हैं। जो भी लड़के पढ़ रहे हैं, वीडियो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर पसंद है तो, नहीं पसंद है तो कोई ज़रूरी नहीं है, हमको ये सबसे मतलब नहीं है कि सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, लेकिन आप पढ़िए, हम यही कहेंगे आपसे कि आप पढ़िए। यार तो हो गया 25, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 का x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। मैंने आपको कहा था, ये देखिए ब्रेक होगा, बताइए ब्रेक होगा नहीं, ब्रेक कीजिएगा नहीं होगा, ब्रेक फैक्टराइजेशन में नहीं आएगा, देख लीजिए करके 2x 3x नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे कि पुट करेंगे, किसको बोले थे पुट करने, इसको दूसरे तरीका से बना सकते हैं आप, हम डिवाइड करके बना सकते हैं, हम आगे बताएंगे आपको। अगर इसको हम करेंगे ब्रेक करेंगे, इसको तोड़ेंगे फार्मूला पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, हम देखो दूसरे तरीका से बता रहे हैं, मेरे पास ढेर सारा मेथड है, आगे आते जाएगा हम बताते जाएंगे, यहाँ देखो और आसान हो जाएगा। मेरा ये सवाल कैसे होगा, दोनों पर पावर सेम होगा, अगर इसको ब्रेक करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा, अगर पावर बराबर हो तो आप डिवाइड करके भी बना सकते हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा। और अगर आप पुट करके बनाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं, तभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाइए, हम आगे बताएंगे, इसको और आसान हो जाएगा ये। तो देखिए तो पुट करते हैं, एक्स प्लस 1 इक्वल टू जेड, तो डी एक्स इक्वल टू डी जेड और एक्स इक्वल टू जेड माइनस 1 रख दीजिए, जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर 3 इंटू जेड माइनस 1 प्लस 1 बाय जेड स्क्वायर डी जेड। देखिए तो आसान हो गया, ये क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड प्लस 1 3 जेड माइनस 3 प्लस 1 बाय जेड स्क्वायर डी जेड, क्या हो गया, जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1 बाय जेड स्क्वायर। देख लीजिए 3 जेड में 2 जेड जाएगा तो प्लस जेड, अब 1 जोड़ 1 2, 2 में 3 जाएगा तो माइनस 1, अलग अलग डिवाइड कीजिए, आसान हो गया, जेड स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर प्लस जेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 1 बाय जेड स्क्वायर आ गया। ये देखिए तो कट गया, आप यहाँ भी एक कट गया, ये आसान हो गया, ये तो और आसान सवाल था। आप दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं, आपको हम ढेर सारा चीज़ बताएंगे आगे, और कॉन्सेप्ट देंगे, इसको हम डिवाइड करके ही बना देंगे, आसान हो जाएगा। तो आप अलग अलग करेंगे, डी जेड प्लस 1 बाय जेड डी जेड माइनस 1 बाय जेड स्क्वायर डी जेड, इसका हो जाएगा जेड, इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, लॉग जेड आई प्लस 1 बाय जेड प्लस सी, जेड का मान रख दीजिए एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस सी। फिर देखिए, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकता है, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकता है, यहाँ दो कांस्टेंट है 1 और सी, दिस इज इंटीग्रेशनल कांस्टेंट और दिस इज कांस्टेंट न्यूमेरिकल कांस्टेंट, तो दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट को जहाँ भी देखिएगा एक साथ लाइएगा, इसके पहले भी हम आपको बता दिए थे इस तरह से लाना है प्लस सी प्लस 1,
ये दोनों कॉन्स्टेंट है, इसी को मिला करके हम लिख लेंगे सी वन, या कोई कोई के लिखता है, इस दोनों को क्या लिखेंगे हम सी वन, एक कॉन्स्टेंट लिख लेंगे, क्या लिखेंगे एक कॉन्स्टेंट हम लिख लेंगे। देखिए यही सवाल है, और लास्ट सवाल इसका बचेगा आपका 26, 26 पढ़ाएंगे, इसके बाद फिर अगला कॉन्सेप्ट पर हम चलेंगे। हमको लगता है जो लड़के बनाए होंगे, कल भी क्लास नहीं लिए थे, जो भी लड़के बनाए होंगे वो सब बना लिए होंगे, थोड़ा सा भी प्रयास किए होंगे तो बन गया होगा, क्योंकि मेरा क्लियर कॉन्सेप्ट था कि पहले रूट होगा तो रूट को पुट करना है, इसके बाद पावर को पुट करना है, इसके बाद आपको बटे को पुट करना था, डिनोमिनेटर को पुट करना था। एकदम देखिए बना लिए हैं सर, बहुत अच्छा राहुल जी, सब लोग बना लिए हैं। कोचिंग 1 तारीख से खुलेगा, बार बार तो वीडियो में बोल रहे हैं कि 1 तारीख से कोचिंग खुलेगा, या हो सकता है 15 के बाद भी हम स्टार्ट करें, लेकिन आप लोग तो रोज यही चीज लिखते हैं खुलेगा खुलेगा। आप यहाँ पढ़ने आते हैं कि कोचिंग को खोलने आते हैं? जब भी खुले आपको पढ़ा रहे हैं ना, हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये तो सरकार पर डिपेंडेंट करता है कब खुलेगा, डीएम साहब पर डिपेंड करता है कब खुलेगा। आप बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे सब लोग, हो गया मिटा दें, बन गया होगा 26 का एक कॉन्सेप्ट हम आपको देते हैं, अगर ऐसा होगा प्रॉब्लम कहीं भी देखिएगा तो इसी तरह से बनाइएगा, एक्स पावर हाफ प्लस एक्स पावर 1/3 dx। देखिए सवाल है, उम्मीद करते हैं बहुत लड़के बना लिए होंगे, और फिर उम्मीद करते हैं कुछ लड़के नहीं भी बनाए होंगे, तो हम आपको आठ में फंस गए तो 8 नंबर बता दिए हैं बालकिशोर जी, 8 नंबर शुरू में ही 8 नंबर बताए थे, देख लीजिए। आइए एक कॉन्सेप्ट देते हैं, जब भी देखना फ्रैक्शन में होगा, भिन्न में होगा, जब भी कहीं हम देखेंगे कोई भी पावर भिन्न में होगा, फ्रैक्शन में होगा, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम, जिसको आप लघुत्तम समावर्तक कहते हैं, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम क्या होगा 2 और 3 का 6, तो जो भी होगा हम पुट करेंगे x = z^6, चूंकि 2 और 3 का LCM 6 होता है, इसलिए पावर हम 6 लेकर चलेंगे, z^6। इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, dx = क्या होगा आप देखिए, 6z^5 dz, तो बताओ तो z = x, ये पावर इधर आएगा तो कितना होगा 1/6, ये पावर इधर आता है तो 1/6। चलिए आप आगे बढ़िए, तो क्या हो गया dz का मान, dx का मान 6z^5 dz / यहाँ क्या रखेगा x का मान z^6 / 1/2 प्लस z का x का मान कितना है z^6 / 1/3, और dx का मान तो रख दिए आप 6z^5 dz / यहाँ आइए 3, यहाँ आइए 2, z³ + z² 6 तो बाहर हो जाएगा, z^5 z² कॉमन, क्या हो गया z + 1 dz कट गया, 3 हो गया। अब देखिए सवाल आप बिल्कुल आसान हो गया, इतना आसान कि मत बोलिए। देखिए डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन से बना देंगे हम, 6 हो गया ऊपर में z³ / z + 1 dz, आप कुछ नहीं कीजिए, इसको तुरंत लाइए इस पर, z³ - 1 + 1 / z + 1 dz, अलग अलग भाग दीजिए, z³ - 1 / z + 1 dz
जैसा कि आप लोग जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला याद होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देख लीजिए गुना कीजिएगा ए क्यू माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, इससे कीजिए प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, देखिए तो इससे और इससे ए क्यू प्लस बी क्यू, आपको बता दिए कैसे निकाला जाता है, सिक्स अलग अलग करेंगे बाद में, इसको तोड़ेंगे जेड प्लस वन इंटू जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन बाय जेड प्लस वन माइनस वन बाय जेड प्लस वन डी जेड। देखिए यहाँ चाहे तो पुट भी कर सकते हैं आप नीचे वाला को और यहाँ रख देंगे जेड का मान, तो उतना नहीं करना है, आप आराम से ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाइए कि देखिए कट गया और इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन माइनस वन बाय जेड प्लस वन, दैट इंटीग्रेट कर दीजिए और वैल्यू रख दीजिए सिक्स जेड स्क्वायर का जेड क्यू बाय थ्री जेड स्क्वायर बाय टू जेड स्क्वायर बाय टू प्लस जेड माइनस लॉग जेड प्लस वन प्लस सी, देख लीजिए आसान है, जेड का वैल्यू रख दीजिए एक्स पावर वन बाय सिक्स, आप रख देंगे और आप आंसर देखेंगे, आंसर के नज़दीक पहुंच गए, इस पर पहुंच गए आंसर के नज़दीक, अब रख दीजिए एक्स का मान जेड का मान क्या है एक्स पावर वन बाय सिक्स, तो सिक्स इस तरह से जेड का मान हो जाएगा एक्स पावर वन बाय सिक्स पावर थ्री बाय थ्री माइनस एक्स पावर वन बाय सिक्स पावर टू बाय टू प्लस एक्स पावर वन बाय सिक्स माइनस लॉग एक्स पावर वन बाय सिक्स प्लस वन प्लस सी, काटेंगे तो सिक्स ये जो है एक्स पावर वन बाय टू बटे थ्री, ये जो है एक्स पावर वन बाय थ्री बाय टू एक्स पावर वन बाय सिक्स माइनस लॉग एक्स पावर वन बाय सिक्स प्लस वन प्लस सी आंसर, चाहे तो सिक्स से गुना भी कर सकते हो तुम, आपके पास उत्तर होगा। गुड मॉर्निंग सर, आयुष मिश्रा सर को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, जल्दी लिखिए हम आगे बढ़ते हैं इसी के कॉन्सेप्ट पर, आखिर अब आगे करना क्या है। जल्दी कीजिए अगला कॉन्सेप्ट पर चलिए आप लोग आगे, कॉन्सेप्ट देखिए हाँ बना सकते हैं अलग अलग करके, अलग अलग डिवाइड करके कन्हैया कुमार जी बना सकते हैं आप, टेंशन नहीं लीजिए, मैथ का तरीका अलग अलग है, सब अपना अपना तरीका से कैलकुलेशन करता है, जैसा आप कैलकुलेशन करेंगे वैसा ही मिलेगा आपको, कैलकुलेशन अपना अपना तरीका है कैलकुलेशन करने का, जब चाहें जैसा चाहें कोई, यहाँ पर यहाँ हम डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन से किए, पुट सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना सकता है, अपना अपना तरीका है सबको कैलकुलेशन करने का, कोई टीचर पुट कर लेगा इसी को डबल पुट कर लेगा, कोई कोई टीचर क्या करेगा नहीं ट्रांसफॉर्मेशन से कर दिए इजी हो गया तुरंत, तो इस तरह से सबका हो गया, देखिए तो सबका हो गया ये चैप्टर, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, चलिए इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म इसको पकड़िएगा, ये तीन चैप्टर आपको अब पकड़ना है, यही तीन चैप्टर में आपको सब कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इसके पहले भी हम कॉन्सेप्ट दिए और ये जो तीन चैप्टर आएगा ये दो तीन चैप्टर का कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना है, अब फिर आगे लंबा लंबा सवाल आप तोड़िएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, तो चले हो गया होगा सबका, मिटा दूं हो गया है सबका। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप इस तरह से, इस तरह से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म रूप का इंटीग्रेशन किस फॉर्म का है, देखिए इस तरह से
साइन पावर एम एक्स कॉस पावर एन एक्स डी एक्स इस टाइप से देखिए इस टाइप से रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे इस तरह का प्रॉब्लम। साइन पर पावर कुछ रहे, कॉस पर पावर कुछ रहे तो हम इसका इंटीग्रेशन तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे इस पर विशेष ध्यान देना है। हाँ, एग्जाम का क्वेश्चन तैयार कर दिए, टाइपिंग करवा रहे हैं, चूँकि बिना टाइपिंग का आपको कैसे छोड़ेंगे, टाइपिंग करवा रहे हैं। सोमवार या मंगल को हम एग्ज़ाम आपका लेंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे आपसे, आप वहीं से बना के भेजिएगा, मोबाइल पर आ जाएगा आपका, वहाँ ऑप्शन दे रहे हैं आपको, मोबाइल पर ही आपका उत्तर आएगा, ऑप्शन का दाबिएगा, क्लिक कीजिएगा, वो ले लेगा इस टाइप से। खैर, अब देखिए इसका हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले पावर देखना है आपको, कॉस और साइन का पावर देखना है। अगर इस टाइप से रहेगा तो आप देखेंगे इस तरह से, पहला इसका देखना है रूल, इसका रूल देखो, पहला रूल देखना है, इफ पावर ऑफ साइन एक्स का पावर घात, पावर ऑफ साइन एक्स इज वुड पॉजिटिव इंटीजर, वुड पॉजिटिव इंटीजर, देख लो वुड पॉजिटिव इंटीजर, अगर इस तरह होगा तो आपको पुट करना है जेड इक्वल टू कॉस एक्स। अगर इस पर 1, 3, 5 ये पावर हो जाए, एम का मान 1, 3, 5 तो क्या पुट करेंगे, जेड बराबर कॉस एक्स। अगर इस तरह से होगा, इफ पावर ऑफ कॉस एक्स इज ओड पॉजिटिव इंटीजर देन पुट जेड इक्वल टू साइन एक्स। अगर कॉस पर ओड हो जाए तो क्या पुट करेंगे, जेड इक्वल टू साइन एक्स, देखेंगे इस पर ओड है तो कॉस पुट करेंगे, या कॉस पर ओड है, ओड मतलब विषम संख्या, ओड इंटीजर मतलब विषम पूर्णांक, तो हम देखेंगे विषम पूर्णांक देखेंगे कि ओड है या इवन, जिस पर ओड होगा उसका अपोजिट पुट करेंगे, इस पर ओड होगा इस पर विषम पूर्णांक होगा तो हम कॉस पुट करेंगे, और अगर कॉस पर विषम पूर्णांक होगा ओड पॉजिटिव इंटीजर तो इधर पुट करेंगे। धनात्मक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, धनात्मक, धनात्मक समझते हैं ना, पॉजिटिव धनात्मक, निगेटिव में नहीं देखना है, पॉजिटिव देखना है, इसलिए हम लिखे हैं पॉजिटिव इंटीजर, ओड मन विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक किस पर, साइन एक्स पर घात हो तो हम जेड बराबर कॉस एक्स, इस तरह से आप कहिए। दूसरे तरीका से हम सोचने बताते हैं। अरे युवराज सिंह, ऑनलाइन क्लास हमेशा रहेगा, दिन में नहीं होगा तब 8 बजे रात से होगा, हमेशा होगा, चिंता नहीं कीजिए। तो देखो तो इस पर अगर ओड रहा, विषम संख्या पावर में विषम संख्या इस पर रहा तो ये पुट करेंगे, और इस पर पावर में विषम संख्या रहा तो ये पुट करेंगे। आप क्लियर कॉन्सेप्ट है, आप देखिए तीसरा कहता है, समझ गए वो चीज, समझ गए, तीसरा इफ बोथ इफ पावर ऑफ, इफ पावर ऑफ बोथ साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज ओड पॉजिटिव इंटीजर देन पुट जेड इक्वल टू कॉस एक्स और जेड इक्वल टू साइन एक्स। अगर दोनों पर ओड हो जाए, अगर किस पर आ जाए, दोनों पर ओड हो जाए तो आप किसी को पुट कर सकते हैं, साइन एक्स या कॉस एक्स। अगर दोनों पर पुट हो जाए तो आप पुट कर सकते हैं या तो साइन एक्स या कॉस एक्स, दोनों पर विषम धनात्मक हो जाए तो हम किसी को पुट कर सकते हैं। नंबर 4, जल्दी लिखो, उधर मिटा दें, इस साइड हो गया ना, फिर से एक बार देख लो। अगर साइन पर पावर ऑफ साइन एक्स
पावर ऑफ साइन एक्स इज और पॉजिटिव इंटीजर, पुट करेंगे कॉस एक्स, अगर कॉस पर हो और पॉजिटिव इंटीजर तो साइन एक्स, अगर दोनों पर हो तब आप किसी को पुट कर सकते हैं। फोर नंबर, कितना नंबर? फोर। अब देखिए ऐसा होगा कि ना तो इवन हो, दोनों से किसी पर और पॉजिटिव पावर नहीं हो, दोनों से किसी पर और पॉजिटिव पावर नहीं हो। देखो तक फोर नंबर, इफ द पावर, इफ पावर ऑफ नाइदर साइन एक्स नॉर कॉस एक्स इज ओड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, देन सी द सम ऑफ द पावर ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। कहता है अगर ना तो साइन एक्स पर पावर हो ओड, ना तो कॉस एक्स पर पावर हो ओड, तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि दोनों का पावर का सम, दोनों के पावर का सम, अगर दोनों का पावर का सम इवन नेगेटिव इंटीजर हो, अगर इसी में अगर दो पार्ट है, इफ सम ऑफ द पावर ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज इवन नेगेटिव इंटीजर यानी -2 -4, इवन माना सम संख्या, नेगेटिव सम में नेगेटिव यानी -2 -4 इस टाइप का पावर रहे इंटीजर, देन पुट करना है आपको एक्स इजिकल टू टेन थीटा, जेड इजिकल टू टेन एक्स, क्या पुट करना है तब, जेड इजिकल टू टेन एक्स, इस तरह से पुट करना है आपको। हो गया, हो गया। बी, इफ सम ऑफ द पावर ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, देन द इंटीग्रल, देन एक्सप्रेस द इंटीग्रल, देन एक्सप्रेस द इंटीग्रल, फिर से देख लो एक बार, इफ सम ऑफ द पावर ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज इवन पॉजिटिव, जल्दी लिखना थ्योरी है, इज इवन पॉजिटिव इंटीग्रल, देन द एक्सप्रेस द इंटीग्रल एज द अलजेब्रिक सम ऑफ, एक्सप्रेस द इंटीग्रल एज द अलजेब्रिक सम ऑफ साइन एंड कोसाइन, कोसाइन ऑफ मल्टीपुल एंगल, मल्टीपुल एंगल, इस तरह से मल्टीपुल एंड मल्टीपुल एंगल में तोड़ना है, जैसे आपको बताया था साइन स्क्वायर एक्स को कैसे तोड़ने बताए थे, 1 - cos 2x/2, इस तरह से दूसरा कहा था कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा, देखो तो इवन है, इवन पॉजिटिव है, अगर इस तरह से रहेगा तो आपको तोड़ना है 1 + cos 2x/2, इस टाइप से तोड़ना है आपको, अगर इस सब टाइप का रहा तो साइन क्यूला भी बताए थे इवन पॉजिटिव में, चलिए इस सब टाइप को तोड़ के चलना है आपको, इस सब टाइप प्रॉब्लम के साइन क्यू भी रहे तो उस तरह से इवन पॉजिटिव है,
तो इधर इधर हो गया होगा, उम्मीद है हम आगे बढ़े। अरे हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, टेस्ट जो लेंगे ऑब्जेक्टिव लेंगे, सब्जेक्टिव नहीं। हम बोलता इधर हो गया होगा, लिखा हुआ एग्जाम्पल देंगे, एक दो एग्जाम्पल देख बताते हैं, समझ में आ जाएगा। है देखिए एग्जाम्पल, ऐसे हम बताए हैं और ये थ्योरी दे रहे हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि आपको मैंने इसके पहले भी एक कॉन्सेप्ट दिया था, वो कॉन्सेप्ट का नाम था कौन किसका डिफ्रेंशिएट है, कौन किसका डिफ्रेंशिएट है। देखिए उस मेथड पर भी आएगा और दूसरा आपको आएगा, हम जो अभी थ्योरी दिए हैं उसके कॉन्सेप्ट पर। देखिए तो यहाँ नहीं कुछ तो कितना पावर वन, देखिए थ्योरी में लिखाए हैं कि अगर वन है इसका मतलब ओड पॉजिटिव इंटीजर, वन क्या है, ओड नंबर विषम संख्या है, ओड पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर ओड पॉजिटिव कॉस पर है तो क्या पुट होगा, साइन, क्या पुट होगा, साइन, ओड है तो क्या पुट होगा, साइन होगा। और दूसरे तरीका से हम बताए थे आपको इसका डिफरेंशिएट ये है कि नहीं, इसका डिफरेंशिएट ये है कि नहीं, हमने कहा था ना एक कॉन्सेप्ट कि कौन किसका डिफरेंशिएट है ये देखना है। तो ये देखिए अगर इसका इसको लेते हैं, इसका डिफरेंस होता है साइन एक्स, यहाँ साइन स्क्वायर है नहीं होगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएट क्लियर दिया गया है कॉस एक्स, तो हम लोग देखेंगे एक साइन को पुट करेंगे, या अगर अकॉर्डिंग टू थ्योरी देखेंगे आप तो यहाँ ओड पॉजिटिव इंटीजर है, ओड पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या पुट करेंगे आप, साइन, क्या पुट करेंगे। देखिए हम लिखाए हैं सेकेंड नंबर में, ई पावर ऑफ कॉस एक्स इज ओड पॉजिटिव इंटीजर देन पुट जेड इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर कॉस पर ओड पॉजिटिव है तो साइन एक्स पुट करेंगे, और पहला लिखाए थे अगर साइन पर ओड पॉजिटिव इंटीजर तो कॉस पुट करेंगे, तो यहाँ ओड किस पर है, कॉस पर, तो क्या पुट करेंगे, साइन एक्स, क्या पुट करेंगे, साइन एक्स। तो इस तरह से दूसरे तरीका से यही बताए थे एक कॉन्सेप्ट आपको, जो हमने कॉन्सेप्ट दिया था कि आपको क्या दिया था कि जिसका कौन किसका डिफरेंशिएट है ये देखना है, इसका डिफरेंशिएट ये है, तो मेरा क्लियर फंडा रहता है कि कौन किसका डिफरेंशिएट है, क्योंकि लड़के को इतना थ्योरी दिमाग में नहीं रहता है, इसलिए हम ऐसे थ्योरी पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन इतना अगर नहीं रहे दिमाग में तो एक कॉन्सेप्ट मेरा दिमाग में रखिएगा, हम आपको बार बार कहते हैं कि कौन किसका डिफरेंशिएट है, तो आप क्या पुट करेंगे यहाँ, बहुत लड़के दे भी दिया कि साइन एक्स पुट करेंगे सर, बिल्कुल बहुत अच्छा, आप थ्योरी पकड़ते हैं, आप कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं, तो चलिए पुट करते हैं, पुट साइन एक्स इजकल टू जेड, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स, एक्स का डी एक्स इजकल टू डी जेड, तो क्या हो गया, साइन का मान कितना रखे जेड, जेड स्क्वायर। देखिए तो अलजेब्राइक फंक्शन आ गया, अभी आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था, अब आप कहाँ आ गए अलजेब्राइक पर, और अलजेब्राइक फंक्शन जब आ जाए तो आप इसका अलजेब्राइक का शुरू वाला चैप्टर में आप अलजेब्राइक बनाए थे, आप वहां से इसका इंटीग्रेट करेंगे, जेड स्क्वायर का क्या होगा, जेड क्यू बाय थ्री प्लस सी, तो वन बाय थ्री, जेड का मान आपका है साइन क्यूब एक्स प्लस सी। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है। एक प्रॉब्लम और हम बताते हैं आपको, अभी है 5 मिनट टाइम, 5 मिनट में आपको हम छोड़ देंगे, 5 मिनट 4 मिनट जो है बता देते हैं, एक एग्जांपल ताकि बना के लाइएगा आप। देखिए थोड़ा सा इस तरह से कह दें, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या पुट होगा, कोई लड़का बता दो क्या पुट होगा, आप लोग समझ रहे हैं, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, बता दीजिएगा क्या पुट होगा, क्या पुट होगा, कोई लड़का, इसका मतलब मेरी आवाज पहुंच रही है, क्या पुट होगा, अगर समझते हैं तो बताइए क्या पुट होगा, फंस गया, फंस गया, कॉस एक्स, बालकिशोर जी बोल रहे हैं, युवराज सिंह बोल रहे हैं कॉस एक्स, बिल्कुल सब गलत, किस पर ओड है, ओड इस पर है, साइन पर ओड है, तो क्या पुट करेंगे, कॉस, क्या पुट करेंगे, कॉस, ओड किस पर है, साइन पर, तो साइन पर ओड है, तो क्या पुट करेंगे, कॉस, देखिए गलत हो जाता है, यानी आप पुट करेंगे कॉस एक्स, क्या पुट करेंगे, कॉस एक्स, क्यों पुट करेंगे, क्योंकि ओड पॉजिटिव इंटीजर पावर है, और ये किस पर है, किस पर है ओड, तो साइन पर है, तो पहला हम थ्योरी बताए थे
पहला तो लिखा हुआ नहीं है कि अगर साइन पर पावर ऑफ साइन एक्स इज ओड पॉइंट पुट जेड इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो यहां क्या पुट होगा, कॉस एक्स होगा पुट, चूंकि साइन पर है ओड पॉइंट इंटीजर तो कॉस पुट होगा, तो जब कॉस होगा तो उसका डिफरेंशिएट क्या होगा, कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है साइन एक्स, तो उसका डिफरेंशिएट को बाहर करेंगे, इससे एक साइन बाहर करेंगे तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर दिए तो एगो बाहर करेंगे, चूंकि जो पुट करेंगे हम आपको बता दें एक कॉन्सेप्ट आप यहां पर क्लियर कर लीजिए कि जिसको भी हम पुट करेंगे उसका डिफरेंशिएट हमको लाना है, उसका डिफरेंशिएट हमको लाना है, चाहे जैसे लाना है हम लाना है, तो अगर चूंकि ओड साइन पर है तो कॉस पुट होगा और कॉस का डिफरेंशिएट इसे ब्रेक करके हम एक ले आए, चूंकि कॉस का डिफरेंशिएट साइन, माइनस तो बाद में आएगा। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट को छोड़ के बाकी सबको कॉस पुट करेंगे तो हम सबको कॉस में ले आएंगे, तो ये कॉस में है ही, इसका फॉर्मूला कॉस में लाना है, तो यहां क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। देखिए हम अगर कॉस पुट करते हैं, चूंकि इस पर ओड है तो कॉस पुट करते हैं तो कॉस का डिफरेंशिएट इससे एक साइन बाहर कर लिए, अब बाकी जो बचेगा ये डिफरेंशिएट छोड़ करके बाकी जो बचेगा सबको हम कॉस में ले आएंगे, सबको किस में ले आएंगे कॉस में ले आएंगे, और अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा क्या पुट करना है आपको, क्या पुट करना है कॉस एक्स पुट करना है, तो आप कॉस एक्स ले आइए पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू जेड, इसका डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स डी एक्स डी जेड, इसी माइनस से आप लोग घबराते होंगे कि माइनस कहाँ है, तो ये माइनस तो इधर चला जाएगा, इसलिए इस माइनस को हम लोग दिमाग में नहीं रखेंगे, चूंकि कैलकुलेशन में माइनस इधर आ जाएगा, माइनस डी जेड रख दीजिए। अब आप वैल्यू रखिए कि क्या हो गया वन माइनस कॉस का मान कितना माने जेड जेड स्क्वायर, यहाँ देखिए जेड स्क्वायर इंटू माइनस डी जेड, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन जेड स्क्वायर माइनस वन इंटू जेड स्क्वायर यानी माइनस डी जेड, माइनस माइनस प्लस आ गया, आप माइनस को भी हटा दिए, चलिए अब तो आप अल्जेब्राइक में आ गया, अब अल्जेब्राइक बना सकते हैं आप, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर माइनस वन इंटू जेड स्क्वायर डी जेड, मल्टीप्लाई कीजिए अल्जेब्राइक में है, फर्स्ट चैप्टर में मल्टीप्लाई करने बताए थे, फोर जेड स्क्वायर डी जेड, इंटीग्रेट कर दीजिए फाइव बाय फाइव माइनस जेड क्यू बाय थ्री प्लस सी, मान रख दीजिए कॉस पर पावर फाइव एक्स माइनस वन बाय थ्री कॉस क्यू एक्स प्लस सी, यही है, क्या ऐसा बनेगा ये बताइए, ऐसा तो बनना चाहिए, आज बनाएंगे हम, कोशिश करते हैं आपको उन्हीं ये प्रॉब्लम ज़्यादा करके आपको केसी सिन्हा में मिलेगा, किसमें मिलेगा केसी मिलेगा 19.4, हम पीडीएफ भेज रहे हैं आपको, हम उम्मीद करते हैं आप लोग बनाएंगे, हम पीडीएफ भेज देंगे आज, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाएंगे, या किसी के पास बुक होगा केसी सिन्हा का तो देख लीजिएगा, प्रयास कीजिएगा बनाने का, टाइम आपका ओवर हो रहा है, इसलिए अब हम पुनः कल मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, 23 घंटा का ब्रेक होगा, कल संडे है, हो भी सकता है क्लास नहीं भी हो सकता है, हमें अभी नहीं कह सकते हैं, क्लास मैनेजमेंट से पूछ के, उम्मीद है क्लास होगा, क्लास हम कल लेंगे, संडे है, पिछले संडे में नहीं ले पाए थे, मैनेजमेंट बोल गए थे कि नहीं लेना है, हाँ लेकिन आज हम कल क्लास लेंगे, क्योंकि कल छुट्टी था, हम कल क्लास लेंगे आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय, मिलते हैं फिर हम 23 घंटे ब्रेक के बाद, ओके हैव ए नाइस डे।